सो फाइनली गाइस मैंने रिजाइन कर दिया है कंपनी से। आज 23 तारीख हो गई, 23 अक्टूबर 2023, और मेरी पहली कंपनी रिजाइन कर दिया। ऑलमोस्ट मैंने 19 जुलाई से स्टार्ट किया था, ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी मेरी, तो वेल इतना टाइम हुआ है। काफ़ी कुछ सीखा हूँ मैं, अगस्त गया मेरा, फिर सितंबर गया, और अक्टूबर भी ऑलमोस्ट मेरा गया ही है। 3 महीने मान लो, मेरे को 3 महीने हो गए इसमें, जिसमें मेरा ओजेटी वगैरह सब कुछ आ गया, ट्रेनिंग वगैरह मैंने सीखा था काम काज कैसे। बट या अब मेरे पास में कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, कभी मैं दूसरी कंपनी में अप्लाई करता हूँ, बट मेरी उम्मीद यह रहेगी कि मैं इस प्रोसेस के लिए अप्लाई ना करूँ। हाँ, मेरे पास में इस प्रोसेस का नॉलेज है, बट यदि इनके रहा तो नॉलेज है मेरे पास में, बट एक्सपीरियंस लेटर नहीं है किसी कंपनी को दिखाने के लिए, क्योंकि मैं जाऊँगा तो ऐसे फ्रेशर ही जाऊँगा, और मैं चाहता हूँ इस कंपनी में नहीं करना मेरा। बस अभी कुछ देर 5 मिनट हुई होगी मेरे को रेजिग्नेशन डाले हुए, ठीक है। अब मेरे को पता है मेरे TL का कॉल आएगा, मेरे AM का कॉल आ सकता है, वेल मेरे को HR का ही कॉल आएगा, HR का कॉल आएगा, बोलेंगे क्या इश्यू है, क्यों रिजाइन डाल रहे हो, ऐसा वैसा, वेल बता दूंगा उनको। यार मैं एकदम पूरा थक गया हूँ यार, क्या बोले, मेरा माइंड एकदम बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। मेरे को कुछ दिनों से इतना प्रेशर आ रहा ना मेरे ऊपर, मैं चाहता हूँ छुट्टी लेना। मैंने 10 दिन की छुट्टी भी मैं मांगी थी मेरे TL से, लेकिन क्लियरली मना कर दिया, क्योंकि इसी टाइम के लिए उन्होंने हायर किया था। हालांकि BBT तो निकल गई है, लेकिन अभी भी और सेल आएगी, छोटी मोटी सेल, दिवाली सेल आएगी, छोटी मोटी सेल आएगी, 15 नवंबर तक का ऐसा क्रिटिकल टाइम है। लेकिन अभी ना मेरे सीनियर, मेरे जो SME है, मेरे फ्रेंड्स लोग, कलीग लोग मेरे को बोल लेते कि भाई अक्टूबर लग झेल ले, 31 दिसंबर लग तेरा वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट है, झेल ले 2 महीने और, नहीं झेलाए। कोई बोले भाई सैलरी लेके रिजाइन कर देना, अभी मेरी सैलरी गई होल्ड पे, कितने दिन, 45 दिन के लिए, ऑलमोस्ट 1 महीना और 15 दिन के लिए, मतलब कि मान लो कि उधर 9-10 दिसंबर के आसपास मेरे को सैलरी जो है मेरी मिलेगी, तो ऑलमोस्ट 1.5 महीना जो है, 1.5 महीने बाद ही मेरी सैलरी मिलेगी मेरे को। अब पता नहीं कितनी मिलेगी मेरे को, कब तक मिलेगी, कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट कंपनी थी टेक महिंद्रा और फ्लिपकार्ट वॉइस प्रोसेस, पहली बार मैं जॉब किया था ये ऐसे फ्रेशर, और इतना वर्क किया मैं, काफ़ी ठीक रहा, बट अब आगे नहीं कर पाऊँगा। बट यार अब नहीं कर पाऊंगा यार, बहुत हो गया यार, मतलब कहते ना कि हुआ बहुत हुआ, बस वो बहुत हो गया यार। मतलब एक तो स्टार्टिंग में यार मेरे को लगा नहीं था कि मैं इसे जॉब छोड़ दूंगा, मेरा था मन कि 31 दिसंबर तक करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल इशू है, अभी भी है काफ़ी ये फाइनेंशियल इशू। बट यार उसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी आपकी जो वर्क लाइफ है वो झंझोड़ के रख दो, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ करना है, मेरे को करना और कुछ है, कुछ और है, और ये तो जस्ट एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मैंने ज्वाइन किया था। हाँ, बट अब नहीं झेलाया गया तो मैंने रिजाइन कर दिया फाइनली। अब जो भी होगा देखा जाएगा, मुझे कुछ नहीं पता ये रिजाइन करके मैंने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, क्योंकि यदि आगे जाकर मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, कहीं से मेरा इनकम सोर्स आ गया, मैं इनकम पैसे कमाने लग गया अच्छे खासे, इस जॉब से ज़्यादा पैसे कमाने लग गया, कुछ भी फायदा हुआ मेरे को, तो मैं ये कहूँगा, कहा भी ये जाएगा कि मैंने जॉब छोड़कर कोई गलती नहीं करी। बट इन केस यदि मेरे को जॉब नहीं मिलती है और मैं ऐसे ही अनएम्प्लॉयड रहता हूँ, जॉब की बात नहीं है, मतलब इनकम नहीं आ पाती है, मैं कहीं से भी इनकम जनरेट नहीं कर पाता हूँ, तो फिर माइंड में वो रहेगा कि यार जॉब छोड़ के गलत किया। बट अभी मेरे माइंड में एकदम मैं न्यूट्रल हूँ, मतलब मुझे नहीं पता मैंने गलत किया सही किया, बट या मेरा उम्मीद यही रहेगी कि मेरे को होप है कि हाँ मैंने जो किया वो सही किया, एक सोच समझ कर ही किया, क्योंकि मैंने काफ़ी सोचा इसके बारे में, रात भर सोचा मैंने इसके बारे में,
कभी मन करता है कि रिजाइन कर दूं, कभी मन करता है कि नहीं करूं, कभी करता है कि सैलरी आने तक का इंतजार कर लूं। 6 दिन बचे हुए थे, 6-7 दिन बचे हुए थे, लेकिन ये 6-7 दिन मेरे को 6-7 महीने के बराबर लग रहे थे। मैंने सोचा कि भाई नहीं होने वाला, ऐसे तो नहीं होने वाला। और मेरे को भूख लगी, खाना नहीं खाया, भंडारा चल रहा है, नौमी है गांव में, उसी का रेडियो चल रहा है बैकग्राउंड में। तो मैं आ गया हूँ खेत पर यहाँ पे, क्योंकि मेरे को बनाने थे वीडियो, क्योंकि आपसे कुछ शेयर करना था। आपको पता है कि मैं डेली ब्लॉग भी नहीं बना पा रहा हूँ, और मैंने कुछ दिन पहले 3-4 दिन की छुट्टी ली थी, क्योंकि नवरात्रि का टाइम है। नवरात्रि जैसे ही शुरू हुई संडे से, और संडे से ही मैंने छुट्टी ले ली थी, लॉगिन नहीं किया था, और डे बाय डे मेरी परफॉर्मेंस डाउन जा रही थी। मेरे टीएल ने भी रात को मेरे को बोल दिया था कि भाई नहीं करना है, मत करो, लेकिन ऐसा डेंट मत दो। डेंट का मतलब कि तुम प्रोसेस में डेंट दे रहे हो, तुम पूरी टीम के स्कोर को ख़राब कर रहे हो, डिसेट आ रहे तुम्हारे, और तुम्हारे लॉगिन हुआ टाइम पर कंप्लीट नहीं हो रहे, तुम टाइम पर लॉगिन नहीं रहते हो, कभी भी लॉगिन करते हो, कभी भी लॉग आउट करते हो, ये सब नहीं चलेगा। तो भाई मेरे को लगा कि यार नहीं यार, कुछ तो यदि मेरे लिए है नहीं है जॉब। अभी तक मैंने जैसे जैसे हैंडल कर लिया, अभी तक मेरे को कोई इशू नहीं था, बट अब से नहीं हो रहा। आज फाइनली मैंने रेजिग्नेशन डाल ही दिया, रिजाइन कर दिया मैंने। आप सोचेंगे कि भाई ना तो तेरे पास कोई इनकम का सोर्स है, ना कोई दूसरी जॉब है, ना कोई तेरे यूट्यूब चैनल से इनकम हो रही, ना इंस्टाग्राम से हो रही, ना फेसबुक से हो रही, तूने रिजाइन क्यों कर दिया। भाई कहना यही चाहूँगा कि यार कभी कभी कुछ करना, कुछ ऐसे डिसीजन लेना ज़रूरी होता है, और उनको इंस्टेंटली लेना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि माइंड भी हो सकता था कि मैं मजबूरी करूं, लेकिन उस चक्कर में मेरे माइंड के प्रेशर के चक्कर में मेरे को और हेल्थ इशू होते, मेरा माइंड अनस्टेबल और हो जाता, मेरे को कुछ साइकोलॉजी प्रॉब्लम हो जाती, कुछ भी इशू हो जाता था, आगे जाकर मेरे को लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। मैंने फ्री माइंड के लिए, एकदम फ्री माइंड लग रहा मेरे को, मैं आज़ाद हो गया हूँ कंपनी से, और मैं आज़ाद ही रहना चाहता हूँ यार। कि मेरे को लाइक जैसे यूट्यूब ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, ऑनलाइन मीडिया से फ्रीलांसिंग की तरह मेरे को इनकम होती रहे, मेरे को फाइनेंशियली कोई स्टेबिलिटी रहे, इनसे प्रॉब्लम ना हो। वेल आपको भी पता है कि यहाँ पर टाइम लगता है यार, जो भी है इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया पर कुछ प्रेजेंस बनाने में, फॉलोवर गेन करने में, एक लेवल हासिल करने में समय लगता है। उस समय तक आपको 0 रुपीस मिलने वाला है, क्योंकि जॉब में फ्रॉम द डे वन आपको पैसा मिलता है। आई नो आपको भी पता है कि जॉब में जैसे आप जॉब असाइन हो जाते हो, ज्वाइन कर लेते हो, फ्रॉम द डे वन आपको पैसा मिलता है। और मेरे को ये 400-500 रुपये के आसपास मिल रहा था, क्योंकि प्रेशर था, मैं मतलब 450 रुपये के आसपास डेली का मेरा मिल रहा था। उतना तो कोई भी आप में से कुछ लोग तो ज़्यादा ही 1000-1500 रुपये निकाल लेते होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं स्टॉक मार्केट में, और 2-3 हज़ार रुपये बना लेते हैं, कोई 600-700 रुपये बना लेते हैं। बहुत सारे तरीके हैं पैसे बनाने के, यदि आप ढूंढना चाहो तो बहुत सारे तरीके आपको मिल सकते हैं। हाँ, मैंने भी काफ़ी ढूंढे, काफ़ी मेरे को पता है तरीके, अब मैं वही तरीके अपनाऊंगा, करूंगा ट्राई, क्योंकि मेरा उद्देश्य जॉब करना नहीं है, मेरा उद्देश्य है फाइनेंशियली फ्री होना, कुछ डेप्ट ट्रैप से निकलना, क्योंकि कुछ डेप्ट है जिनको क्लियर करना है, फाइनेंशियल इश्यूज है, कुछ पैसे की ज़रूरत है, काफ़ी पैसों की ज़रूरत है, तो उनको क्लियर करने के लिए पैसे अर्न करने पड़ेंगे। भाई रास्ते तो बहुत सारे हैं, गलत रास्ते भी है पैसे कमाने के लिए, लेकिन सही रास्ता ही चुना हमने स्टार्टिंग से, तो सही रास्ते से ही हम कमाएंगे पैसे, हो सकेगा तो पूरा ट्राई करेंगे। और काफ़ी सीखा हूँ मैं, इतने टाइम से मैंने जॉब किया, कस्टमर से बात किया, उसकी वीडियो भी याददाश्त के लिए, मेमोरीज के लिए मेरे चैनल पर हमेशा रहेंगे, यदि मेरा चैनल डिलीट नहीं किया गूगल ने, और मैंने डिलीट नहीं किया, हमेशा रहेंगे, एंड इंस्टाग्राम पर भी रहेंगे, फेसबुक पर भी रहेंगे। कभी भी मैं देख सकता हूँ, आप देख सकते हो कि वो टाइम कैसा था जब मैं कस्टमर से बात करता था घर पर, वर्क फ्रॉम होम, और ये पहली जॉब थी मेरी वर्क फ्रॉम होम। मेरे को स्टार्टिंग से भी ऐसी चाहिए थी कि यदि मैं जॉब करूँ तो जॉब करूँ वर्क फ्रॉम होम, और जॉब पैसों के लिए ना करूँ, क्योंकि यदि आप पैसों के लिए जॉब कर रहे हो तो आपके ऊपर एक ऐसा प्रेशर रहेगा कि आप चाह कर भी छोड़ नहीं सकते जॉब को। जिस दिन आपको ज़्यादा प्रेशर आया, आपको लगा कि जॉब छोड़ दूँ, बट बैक ऑफ द माइंड यही रहेगा कि भाई पैसों की प्रॉब्लम है और अब जॉब नहीं छोड़ सकते,
बट बहुत हिम्मत करनी होती है। एक एक बहुत बड़ा फैसला होता है जॉब को छोड़ना। ऑल्दो अभी कोई जॉब नहीं है, अभी मैं कुछ देर पहले से अनएम्प्लॉयड हो गया हूँ, अभी मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। पहले मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता था, फुल टाइम यूट्यूब पर देता रहता था, आलतू फालतू वीडियो बनाता रहता था, अभी भी बनाता रहूँगा भैया, वीडियो अभी भी बना रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ मेरे थॉट्स में, लाइफ कैसी क्या चल रही है, ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। घूमना फिरना मेरे को शौक है, घूमना फिरना पसंद है मेरे को। मेरा एक प्रेफरेंस ये रहेगा, मैंने जब रिजिग्नेशन दिया तो उसमें लिखा भी है कि यदि मैं कंपनी ज्वाइन करता हूँ तो मैं पार्ट टाइम करना चाहूँगा और चैट प्रोसेस में करना चाहूँगा। तो पार्ट टाइम में रहता है कि 4 घंटे करो और चैट प्रोसेस में चैटिंग करो, तो उसके पार्ट टाइम के हिसाब से आपको जो भी पैसा रहता है वो मिलता है। पार्ट टाइम भी ठीक है, ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, डेली 4 ही घंटे आपको देने होते हैं, फुल टाइम में 8 घंटे देने रहते हैं। अभी मेरे TL से काफ़ी दिनों से इतनी बिगड़ी हुई है, 3-4 दिनों से TL काफ़ी परेशान है मुझे लेकर, और काफ़ी बोल रहा था भाई नहीं करना तो जॉब छोड़ दो, डेंट मत दो टीम में, तुम डेंट दे रहे हो, ये कर रहे हो, वे करो। और मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ने की बात कर रहे हैं, बहुत सारे हैं जो फाइनेंशियली इश्यूज के कारण छोड़ भी नहीं सकते, जैसा मेरा इशू था वैसा भी उनका। हालांकि मेरी सबसे ज़्यादा कंडीशन ख़राब है मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो, उनकी कंडीशन मुझे नहीं पता एक्चुअल में, लेकिन एक्चुअल में मेरी कंडीशन मुझे पता है और मेरे कुछ दोस्तों को, मेरे कुछ भाइयों को पता है। उन्होंने तो यही सजेस्ट किया कि जॉब को मत छोड़ो, करो तुम अभी, उसके बाद में दूसरी जॉब देख लेना, एक्सपीरियंस हो जाएगा 6 महीने का। लेकिन नहीं हो रहा, नहीं झेला जा रहा। करेंगे साला, हार्ड वर्किंग करेंगे, ब्लॉगर ट्राई करेंगे, ब्लॉगिंग ट्राई करेंगे, अपना ब्लॉगिंग तो चल ही रहा है यूट्यूब चैनल पर, और फोकस देंगे, क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ, कोई जॉब वगैरह नहीं। हाँ, मेरा आज से ही अर्निंग तो काफ़ी 15 तारीख से ही बंद हो गई थी, ये मान लो मेरी, क्योंकि 15 तारीख से जो भी काम किया वो तो मेरे को सैलरी नहीं मिलने वाली। अब 45 दिन मतलब अप्रोक्स 9-10 दिसंबर तक ही मेरी सैलरी आएगी, काफ़ी लंबा टाइम है, तब तक मैं ऐसे खाली तो बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो करूँगा, क्योंकि कार्ड के पेमेंट क्लियर करने, भाई क्रेडिट कार्ड के, फाइनेंशियली इतना अनस्टेबल हो चुका हूँ मैं, वेल करना है। देखते हैं, अभी मैं खेत पर आया था, सोचा आपसे बात कर लेता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ, क्या कंडीशन चल रही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और आपने वीडियो कहाँ से देख रहे हो आप मुझे कमेंट करके बताना, और आप चाहो तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर है।